इस साल में उन्हें क्या करना है, सबको हमें हमारे इस भाव को दृढ़ करना है कि सब कुछ करने वाली वो आदि माता है। उसका ये जो बेटा है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही चलता है, और बस दैट्स ऑल। कुछ भी हो जाए हम इसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे। ये साल इज ए टर्निंग पॉइंट इन एवरीबडीज लाइफ, दोज आर बिलीवर्स ऑफ गॉड। जो भगवान पे भरोसा रखने वाले उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। सिर्फ इस जन्म के लिए, इस जन्म के लिए तो डेफिनेटली, इस युग के सारे जन्मों के लिए भी नहीं, चाहे इसके बाद महाप्रलय होने के बाद फिर से जो सृष्टि बनेगी तब भी जीवात्मा है, तुम्हें लोग आने ही वाले हो जीवात्मा से। जिन्हें मोक्ष मिलते हैं वो भी आते हैं, जो नहीं मोक्ष में उनकी बात क्या, जो मोक्ष चाहते नहीं, तभी भी ये बात सही होगी। दिस विल रिमेन विथ यू। हमें क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने खुद के मन को ये आकृति में डालना है, रखना है, रचना है। ये बस एक विश्वास ऐसा वापुरता, करता हरता गोरेसा। और इसके करने में कोई कठिनाई आए तो बापू को याद करना, बापू मैं कर रहा हूं, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कहना, सिर्फ याद करना। ऐसा नहीं कहो बापू मैं नहीं कर सकता हूं कुछ करो, नहीं, सिर्फ इतना कहो बापू आई लव यू, यस। उसके बाद में जो करना है करेगा, राइट। मैं नहीं देखना चाहता हूं मेरे बच्चों को लाचार हुए किसी के भी सामने, मेरे सामने भी नहीं। किसी बाप को अच्छा लगता है कि अपना बेटा आके गिड़गिड़ा है अपने सामने, लाचार हो जाए, ठीक, लानत है ऐसे बाप पर। बाप को तो चाहिए मेरा बेटा कैसा ऐसा है, सीना तान कर, और मैं बड़े प्यार से देखते रहे उसके कार्य। गिड़गिड़ाने वाली बात, लाचार होने वाली बात मुझे मंजूर ही नहीं। ऐसे मेरे कोई बच्चे के बारे में ये नहीं सोचता हूं और सोच सकता भी नहीं। इसलिए जो प्रॉमिस तुम लोगों ने 5 बार कहा है, आई एम विथ यू ऑल, मैं आप सबके साथ हूं, जो आज यहां है भी और जो आज यहां नहीं है उनके लिए।